हम चैप्टर नंबर 4 पे थे, फोर्स एंड मोशन पर। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि बुक्स एग्जांपल्स एंड बुक प्रॉब्लम्स। सॉल्व करने से पहले एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा हम फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वेट किसके इक्वल होता है? वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन जो वो भी एक तरह की फोर्स होती है जो कि बराबर होता है म्यू, ये म्यू के आपके पास कॉफिशेंट होता है। ठीक है, जो कि सरफेस पर डिपेंड कर रहा होता है, एंड मास इंटू ग्रेविटी। मोमेंटम क्या है आपके पास? मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, ये केस वन की एक्सेलरेशन है, और केस वन हमने लेक्चर 11 में किया था, ये पूरा ड्राइव किया था हमने केस वन में, हमने एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज निकाली थी। और केस वन हमारे पास क्या था? बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली, जब दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग थी उसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आई थी और टेंशन की वैल्यू ये आई थी। केस टू हमारे पास था कि एक बॉडी हैंग कर रही थी और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टली थी, तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ये थी और टेंशन की वैल्यू ये थी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है? कि कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम एक दूसरे के क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, ये आपकी बुक की एग्जांपल है, सॉल्व है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, और इसको आपने कॉपी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, कॉपी पे काम सारा फेयर करना है। अ बॉडी ऑफ द मास 50 kg, एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास 50 kg है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन जो कि 5 m/s² की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आपने इसकी फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप जब इसका डेटा बनाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, जैसे हमने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स किए थे कि आपको मास दिया हुआ है, गिवन है 50 kg, एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है, a = 5 m/s², तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फोर्स फाइंड करनी है। तो जब आपके पास मास भी हो एक्सेलरेशन भी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का? आप एफ इजिकल्स टू एम ए, ठीक है, एफ इजिकल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला लगा दिया, मास की वैल्यू डाली आपने, एक्सेलरेशन की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखें। एग्जांपल नंबर 2 में ये है कि एक कार है जिसका मास 1000 kg है और वो ट्रैवलिंग एट द 100 km/h, ये इसकी वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, जैसे हमने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, सिमिलरली इसको भी इसी तरीके से करेंगे। यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ 40 m, फाइंड द एवरेज डीएसेलरेशन, आपको डीएसेलरेशन की फाइंड करनी है, और साथ में आपने क्या फाइंड करना है? द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इन न्यूटन, और आपने इसकी फोर्स भी फाइंड करनी है। ठीक है, पिछले जो फार्मूलाज हैं उनको आपने भूलना नहीं है, चैप्टर 3 के फार्मूलाज भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, वो आपके जो हमने फार्मूलाज यूज़ किए थे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अ मास ऑफ द कार आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दी हुई, आप इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000/3600 करेंगे तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट ब्रॉड टू रेस्ट, ब्रेक फेल हो चुके हैं, दैट्स वाई हमें डीएक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है, डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है 40 m। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आपके पास कि यहाँ से इजीली एक्सेलरेशन निकल आएगा, आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस आपको गिवन है, यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, सॉरी फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। हमें एक्सेलरेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है फोर्स फाइंड करने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है एम ए, मास आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन नहीं है, तो ये जो हम सारा ऊपर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एफ इजिकल्स टू एम ए में ये एक्सेलरेशन पुट, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है, और वो पुट करने के लिए उन्होंने हमें बाकी डेटा गिवन डेटा दिया है, तो उसको हम
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और देन एफ इज इक्वल टू एम ए में एम मास आपको 1000 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन की जगह हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लगाकर यहाँ से फोर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, आपके पास टू बॉडीज हैं, एक आपके पास मास 5 है और एक आपके पास 4 kg है, ठीक है। दोनों स्प्रिंग के साथ अटैच हैं और दोनों आपके पास वर्टिकली हैंग है, तो आपने इसकी एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो केस 1 की बात हो रही है क्योंकि बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली, तो यानी कि एक्सेलरेशन और टेंशन की जो हमें वैल्यू लगानी है वो हमें केस 1 वाली लगानी है, ठीक है। तो आपने दोनों के मासेस लिख लिए, ग्रेविटी अगर नहीं गिवन तो आपको पता है ग्रेविटी 10 होती है, ठीक है। आपने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू लगा वो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, और जो वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पुट करके टेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 4.4। 4.4 में क्या आपके पास के आपके पास टू ग्राम्स हैं ये, ठीक है। बुलेट इज फायर फ्रॉम 800 ग्राम्स पिस्टल विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, बट इज द स्पीड ऑफ द रिक्वायर ऑफ द पिस्टल। आपने पिस्टल की जो है वो स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक आपके पास मास ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम से केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, M1 आपके पास केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपके पास जब फायर नहीं हुआ है, बिफोर फायर आपके पास जो स्पीड होगी इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो होगी, ठीक है। जब फायर ही नहीं हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी पिस्टल एंड बुलेट दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज क्या होंगी, जीरो होंगी। U1 भी जीरो होगा एंड U2 भी आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। और V1 आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी है बुलेट की वो आपको दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ पिस्टल आपको 800 ग्राम्स दिया हुआ है, इसको केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे आप, और आपको स्पीड ऑफ रिक्वायर ऑफ गन आपको V2 इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो इनको सेपरेटली सॉल्व कर लें। ये इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया है, बता दीजिए लास्ट वन। आप चाहें तो यही पूरा फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू सारी पुट कर दें, नहीं तो आप चाहें तो पहले इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लें, देन फाइनल मोमेंटम फाइंड कर लें और फिर इनको इक्वल कर दें। तो इन्होंने क्या किया है कि पहले बिफोर मोमेंटम जो है फॉर्मूला लगा कर फाइंड कर लिया, यहाँ पे आंसर जीरो आ गया, ठीक है। क्योंकि जब आप जीरो से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आपका इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, जब जीरो से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका जीरो आता है। देन आफ्टर फायर जो हुआ है आपके पास, आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, सारी वैल्यूज यहाँ पर डाल दी, और यहाँ पे आपको V2 फाइंड करना है, तो यहाँ से आप V2 की वैल्यूज आपके पास जस्ट ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 आ गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.8, और ये फाइनल वेलोसिटी। आप चाहें तो डायरेक्ट ये दोनों स्टेप्स को स्किप करके, दोनों फार्मूलाज को स्किप करके, जस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग डाल के जस्ट ये पूरा ये फॉर्मूला लिख दें, देन आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें और यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर लें, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास पार्ट जो है ये देखें, इनिशियल बिफोर ये आपको जीरो आया था, बिफोर मोमेंटम सॉरी बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम था ये आपके पास जीरो आया था, आपने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, और आफ्टर कोलिजन आफ्टर फायर जो है ये आपके पास मोमेंटम है बिफोर फायर, क्योंकि वो तो हम कोलिजन पार्टिकल्स के लिए था, लेकिन अभी हमारी जो उन्होंने जो हमें डेटा दिया हुआ है उसमें फायर की बात हो रही है, तो बिफोर फायर आपका मोमेंटम ये है और आफ्टर फायर आपका मोमेंटम ये है, ठीक है। तो आफ्टर फायर का मोमेंटम आपने यहाँ पर लिख दिया, देन आपने इसमें ये वैल्यू यहाँ प्लस है, वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगी, देखिए माइनस में वैल्यू आ गई, देन 0.8 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4.5 क्या है आपके पास, आ बॉडी वेटिंग 50 न्यूटन, आपके पास 50 न्यूटन की बॉडी है, ठीक है। प्लेस ऑन द वुडन टेबल, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट इट इन टू द मोशन, कितनी फोर्स लगेगी इसको मूव कराने में, एंड कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको 0.3 दी हुई है, ठीक है, टेबल की। सो वेट ऑफ द बॉडी आपके पास 50 न्यूटन है, ठीक है, और आपके पास कॉफिशियंट यानी कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास 0.3 है,
फोर्स आपको फाइंड करनी है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ पे वेट की जगह मास दिया होता तो आप यहाँ पर एम जी भी लगा सकते हैं, ठीक है, एम जी लगा सकते हैं अगर वेट दिया हो तो यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पर आप डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एम जी भी लगा सकते हैं। ये हम फ्रिक्शन वाले जो हमने टॉपिक जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आर बराबर होता है डब्ल्यू के एंड डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। अगर यहाँ पे मास गिवन होता तो आप यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू को 10 लगाते, लेकिन यहाँ पे वेट ऑलरेडी गिवन है 50, तो आप यहाँ पर आर की जगह 50 लगा दें, क्योंकि आर और डब्ल्यू बराबर ही होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी फ्रिक्शन की फोर्स आ जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। अब आपके पास बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनका मैं आपसे आपको डेटा बनवा रही हूँ और फॉर्मूला बता रही हूँ, आपने खुद सॉल्व करना है एंड देन मुझे आपने व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और जो इसके आंसर्स होंगे वो आप बुक से मैच कर लीजिएगा, आपकी बुक में इसके आंसर्स गिवन है। अब 4.1 में आपको क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ऑफ अ मास 900 kg। एक कार है, ठीक है, आपने एक्सेलरेशन डिटरमिन यानी कि आपने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। कार का मास आपको गिवन है और आपको उसकी फोर्स भी उन्होंने गिवन की है 2700 न्यूटन। अब आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। मास भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से ए की वैल्यू ए को आपने क्या करना है, ए की वैल्यू आपने ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 में देखें, प्रॉब्लम नंबर 4.2, अ कार ऑफ द मास 1000 kg। एक आपके पास मास है कार की जो कि 1000 kg है, ट्रैवलिंग एट द 72 km/h, जिसकी वेलोसिटी आपके पास 72 km/h इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। अब वो उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं ओवर अ डिस्टेंस ऑफ द 40 m। फाइंड आपने इसकी एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। सेम आपके पास अभी जो हम पहले एग्जांपल कर चुके हैं, बिल्कुल एग्जांपल की तरह ये न्यूमेरिकल है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको मास भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी को आपने मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड किया है, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0. आपके पास 0 है, ठीक है, 0.5 नहीं, ब्रेक फेल हो गए हैं तो आप यहाँ 0 ही पुट कीजिएगा। और आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपको उन्होंने 40 दिया हुआ है, देन एक्सेलेरेशन एंड फोर्स आपको फाइंड करनी है, दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एक्सेलेरेशन आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यहाँ से आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देन एफ इज इक्वल्स टू एम ए में वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप पुट करेंगे, मास आपको गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। ये आपने खुद सॉल्व करना है, देन आपने इसके आंसर्स बुक से मैच करना है। प्रॉब्लम नंबर 3 देखें कि एक बुलेट है, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से न्यूमेरिकल है जिस तरह से अभी हम कर चुके हैं, इसे मिलती जुलती अभी हमने एग्जांपल भी की थी। अब इसमें यह है कि एक बुलेट मास 50 grams ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 50 meter per second, ठीक है, पेंट्रेट इन टू अ बैग ऑफ द सैंड एंड इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट इज 0.05 second। इसमें आपको टाइम भी गिवन है, आपको मास भी गिवन है, इसमें आपको वेलोसिटी भी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। हाउ फॉर द बुलेट विल पेंट्रेट इन टू द बैग ऑफ द सैंड, आपने जो है एक आपने फोर्स फाइंड करनी और आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। तो आप इसका डेटा बनाएंगे, मास ऑफ द बुलेट एम इज इक्वल टू 50 ग्राम, ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू ये है, फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करेंगे क्योंकि वो ये आपके पास क्या है, ब्रॉड टू रेस्ट है, ठीक है, दैट्स वाई। टाइम आपको 0.05 सेकेंड दिया हुआ है, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो फोर्स मालूम करने के लिए तो आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू चाहिए होती है, तो एक्सेलेरेशन के लिए आपको ए फाइंड करना है। तो आप ए फाइंड कैसे करेंगे, आप एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ से आप एक्सेलेरेशन निकाल देंगे। फिर जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, दोनों इक्वेशन लगाएंगे आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, देन आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा। फिर आपने एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला फोर्स के लिए आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर आपने एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो आपकी यहाँ से आएगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू वो आपने यहाँ पुट कर देनी है, मास आपको गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपकी फोर्स आ जाएगी, क्लियर है। अब आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, आप फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, 120 न्यूटन की फोर्स है स्टेशनरी बॉडी पर जो कि अप्लाई हो रही है, 4 सेकंड लग रहे हैं, बॉडी एक्वायर्ड वेलोसिटी 36 m/s, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक बॉडी है जिसका आपने मास फाइंड करना है, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वो वेलोसिटी जो है वो कवर कर रहा है और टाइम भी इतने 4 सेकंड लग रहे हैं उसको,
तो अप्लाइड फोर्स क्या है आपके पास 120 न्यूटन है, इनिशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, देन जब वो मूव हो गया है, जब उसको 4 सेकेंड लग चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 36 है और आपके पास टाइम जो है वो 4 सेकेंड है। अब आपको मास फाइंड करना है, तो मास फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालेंगे। मास का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल्स टू एम ए, ठीक है, मास में ये मास आ रहा है ना आपके पास, एफ इजिकल्स टू एम ए में या मास आ रहा है, तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ फोर्स तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन पहले फाइंड करेंगे आप। इसलिए सारा डेटा जो आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम जो दिया हुआ है, तो इससे आप पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, देन एफ इजिकल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगा कर इसको रीअरेंज करेंगे। आपको मास निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन और फोर्स के पास जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हिंट्स आप अपने पास नोट कर लें और सारे ये आपने फिर ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, देन आपने इसको सॉल्व करके बुक से आंसर मैच करने हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 5 देखें, अ गन ऑफ द मास 20 kg, 5, बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह जो अभी हमने की थी, अ गन ऑफ द मास 20 kg, 5, ब्यूलेट ऑफ मास 50 g विद द वेलोसिटी ऑफ 20 m/s, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। सेम बिल्कुल वही एग्जांपल है, M1 आपको गिवन है, ठीक है, M2 आपको गिवन है, लेकिन ग्राम में गिवन है, इसको kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लें। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो होगी बिफोर फायर, गन एंड ब्यूलेट दोनों की क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी आपको इस बार आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि आपको ब्यूलेट की जो है आफ्टर फायर की जो वेलोसिटी है वो आपको गिवन है, ठीक है, और आपको जो गन की जो आफ्टर फायर की जो वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब वही आप फॉर्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इसमें आपको सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर आप मास 1 की वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करेंगे, तो आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू के यहाँ पर सारा 0 आ जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू मास 1 लगाएंगे यहाँ पे, v1 आपको फाइंड करना है, तो ये ऐसे एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस m2 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपको 200 dB है, इन दोनों को प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को आप वहाँ पर ले जाएंगे, इज इक्वल टू, ये मतलब आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल करवा चुकी हूँ, अभी आपने खुद एफर्ट करनी है, आप खुद एफर्ट करेंगे देन आपको समझ आएगा और आप इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर बुक से लास्ट में मैच कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 देखें कि एक एम्प्टी ट्रक है, ये मैंने हिंट दी, बल्कि मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, और 7 और 8, ठीक है, इसके 8 प्रॉब्लम्स हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 4.6 देखें कि एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, एक एम्प्टी ट्रक है, ठीक है, उसका जो वेट है वो 4000 न्यूटन है, एंड इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और जो उसके एक्सेलरेशन है ट्रक की 1 m/s² है, इफ़ द ट्रक इज लोडेड। अब मैंने इसमें जो लोड है, जो लोड जो डालना है वो 2000 न्यूटन है, ठीक है, अब वो वेट जो है वो 2000 है और ट्रक का कितना वेट है 4000 है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन कैन प्रोड्यूस, अब वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा आपको वो बताना है। W1 यानी कि विदाउट वेट उसका 4000 न्यूटन है और एक्सेलरेशन इसकी क्या है 1 है, और जब मैं वेट को जब ट्रक के अंदर डाल दूंगी तो क्या होगा, दोनों के वेट प्लस हो जाएंगे, यानी कि ट्रक का अपना वेट 4000 है और जो लोड है वो 2000 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6000 न्यूटन हो जाएगा। देन आपको A2 फाइंड करना है, ठीक है, अब A2 फाइंड करने के लिए अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये W है, ठीक है, W इज इक्वल टू mg, तो पहले आपको मासेस निकालने पड़ेंगे। मासेस क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनल एक्सेलरेशन के लिए आपको फोर्स भी चाहिए और मास भी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले आप यहाँ से m1 फाइंड करेंगे और m इज इक्वल टू W/g होता है, ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले खाली ट्रक का मास निकालेंगे, अभी तो वेट तो आपको पता है कि 4000 है लेकिन इसका मास कितना है, आप पहले मास निकालेंगे, तो आप W इज इक्वल टू mg का फॉर्मूला लगाएंगे और ग्रेविटी को वेट के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे और यहाँ से इसका मास 1 निकाल देंगे एम्प्टी ट्रक का, ठीक है, जब वो ट्रक बिल्कुल एम्प्टी था, जब उस पर लोड नहीं था, तब उसका मास 400 आ गया। अब आप इसकी फोर्स निकाल लें, तो अब इसकी फोर्स क्या होगी, एफ इज इक्वल टू एम ए,
फोर्स निकाल लें तो 400 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाकर आप एक्सेलरेशन 1 है, मास 400 आ गया और आप इसकी फोर्स निकाल लें। देन अब क्या है आपके पास, अब ट्रक को लोड कर लिया हमने, ठीक है। अब आप क्या करें कि अब इसका अगेन मास निकालें, वेट आपको पता है 600 है, ठीक है। पहले इस फॉर्मूले को अरेंज करें, W इज इक्वल्स टू एम टू जी है ना, तो आप क्या करें कि मास यहाँ पर आ जाएगा और ग्रेविटी वेट के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब आप इसका वेट लिखेंगे 6000, यहाँ पर W2 आएगा, W2 आपके पास क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा। अब 6000 डिवाइडेड बाय 10 आप इसकी इसका मास निकालें, जब लोड है तो इसका मास आ जाएगा। देन एफ इज इक्वल टू एम टू ए टू वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, फोर्स तो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 400 दी हुई है, फोर्स चेंज नहीं होगी। जो यहाँ पे आपने फोर्स निकाल ली, फोर्स आप वही यहाँ पे पुट करेंगे, मास आपका 600 आया वो पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। आपने एक्सेलरेशन निकालनी थी लोडेड ट्रक की, एक्सेलरेशन निकालनी थी, ठीक है। तो लोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें, 4.7, आपके पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ हैं जो कि हैंग हुई हुई हैं, दोनों वर्टिकली हैंग हुई हुई, ये भी केस वन की बात हो रही है। और यहाँ पर आपके पास एक बॉडी का मास 4 kg है, ठीक है, M1 आपके पास 4 kg है और आपको M2 फाइंड करना है। एक्सेलरेशन आपको 0.5 दी हुई है और ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, तो अब आपको क्या करना है फाइंड, आपको अब मास फाइंड करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें कोई टेंशन का कोई जिक्र नहीं है, तो आपको टेंशन फाइंड नहीं करनी, जस्ट आपने इसमें मास एम टू फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे केस वन वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, लगाने के बाद एक्सेलरेशन आपको 0.5 दी हुई है, आप यहाँ 0.5 लगा दें। M1 जहाँ भी M1 है वहाँ पे आप 4 पुट कर दें, M2 आपको फाइंड करना है, ऐसी एज़ इट इज़ रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास ये जो 10 है, सबसे पहले आप इस 10 को वहाँ पर लेके जाएं डिवाइड में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। आप इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब ये 10 अंदर 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, M2 से भी होगा, और ये 0.5 4 से भी होगा, M2 से भी होगा, ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, M2 वाली वैल्यूज को इज इक्वल टू के एक तरफ ले आना है। अब जैसे ये 10 है, ये माइनस का है, वहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, M2 में M2 को प्लस करना है, 40 में से 2 को माइनस कर देना है, 38 आ जाएगा, ये वैल्यू 10.5 डिवाइड में चली जाएगी वैल्यू, तो आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब 4.8 में देखें, एक रेक्टेंगुलर मेटल है ब्लॉक जिसका मास 4 kg है, एट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द मेटल सरफेस, द कॉफिशेंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन, आपने इस पे जो कॉफिशेंट जो है मेटल सरफेस की 0.2 है, और आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको मास गिवन है 4 kg और कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन आपको मालूम है 0.2, और आपको फोर्स जो है फाइंड करनी है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कौन सा फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। इसमें ग्रेविटी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है ग्रेविटी आप 10 लगा सकते हो, तो वो फॉर्मूला आपने फ्रिक्शन का लगाना है और बस इसका आंसर निकालना है और फिर मैच करना है आंसर बुक से, ठीक है। डू प्रैक्टिस, आपका चैप्टर एंड हो चुका है, डू प्रैक्टिस एंड राइट दीज बुक्स एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन योर फिजिक्स फेयर कॉपी, ठीक है, फिजिक्स की कॉपी पे फेयर करना है सारा काम, और मुझे इसकी पिक्चर खींच के आपने कैप्चर करके, इसकी पिक्चर कैप्चर करके आपने मुझे व्हाट्सअप करनी है, ठीक है, और आंसर इसके मैच करने हैं। और जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो काइंडली आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, तो मैं चेक कर लूँगी। और यहाँ पर आपके पास क्या है कि होम टास्क बी पे आपके पास है कि सॉल्व ब्लैंक्स एमसीक्यूज ऑन योर टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक पर ही आपने ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व करनी है। मैंने लेक्चर 11 में भी आपको बताया था, टास्क दिया था, जिन बच्चों ने नहीं किया वो अगेन करें, और फॉर्मूलाज को भी अच्छे से याद करें, क्योंकि फॉर्मूलाज याद होंगे देन ही आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। ये नहीं कि आप मतलब आप तभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स को और उनके जो फार्मूलाज हैं उनको आप भूल जाएं, क्योंकि वो फार्मूलाज भी यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, वो मेथड भी यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं,
ठीक है। तो आपने जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जितना भी पिछला वर्क है वो आपने भूलना नहीं है, उसको भी अपने जहन में याद रखना है। चैप्टर आपका एंड हो चुका है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम्पल्स की और न्यूमेरिकल्स की। फिर से मैं कह रही हूँ, कोई चीज़ ना समझ आए तो काइंडली पूछ लीजिएगा, और पूछिएगा ज़रूर। और कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे इसका पिक्चर्स वगैरह सेंड कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे मुझे काम की पिक्चर्स वगैरह टास्क सेंड नहीं कर रहे होते, तो काइंडली बेटा सब जो है फोकस करें स्टडी पे और मुझे पिक्चर सेंड किया करें।